हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू बी ए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू 18th सेंचुरी। इंट्रोडक्शन टू 18th सेंचुरी के अगर हम इसमें को देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इसके पहले जो हमारा 17th सेंचुरी में क्या क्या हुआ उसको हम आपको समराइज करके पहले बताते हैं, उसके बाद हम 18th सेंचुरी पे पहुंचते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द रेस्टोरेशन एंड द 18th सेंचुरी, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी पीरियड। देयर आर सम मेन फीचर्स ऑफ दिस एज ऑफ दिस पीरियड। इंटरेक्टिव टाइमलाइन, माइलस्टोन जिसके मेन हैं वो हैं क्रॉमवेल एंड कॉमनवेल्थ। आफ्टर इट रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। रेस्टोरेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स सेकेंड ने यहाँ पे फिर से मोनार्की को रीस्टोर किया था, इसलिए। आफ्टर इट कम एट द न्यू क्लासिकल पीरियड, एज ऑफ रीजन, द ब्लड रिवोल्यूशन, द ग्रोथ ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक। These are the main features, or you can say these are the main points or milestone of this age, जिनकी वजह से इस एज का अपना एक विशेष स्थान है इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसको मैं इस डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपका ये आता है द रेस्टोरेशन ऑफ द 18th सेंचुरी, आप इसमें कोई भी लिंक देखेंगे, जैसे 1660 द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। इसके पहले क्रॉमवेल की जो क्रॉमवेल का चल रहा था, क्रॉमवेल बैठे थे। देखिए, इस समय जो प्यूरिटन एज के जो मेन पोइट थे आपके मिल्टन, ये और कई लोग मिलकर थे जो कि इसके मोनार्की के खिलाफ थे, और इन लोगों ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए जिसका में क्रॉमवेल जो एंड द कॉमनवेल्थ जो थी ये पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की गई, उसके थ्रू एक गवर्नमेंट बनी। लेकिन क्रॉमवेल जो थे वो भी आपके लीडर होते होते यहाँ पर वो डिक्टेटर बन गए थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिखाने लगे। उसके बाद इनका 1658 में ये एक्सपायर हो गए हैं। फिर उसके बाद इनकी सत्ता हट जाने के बाद इनके जो आपके सन थे उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कमांड कर सकें। उसके बाद यहाँ पे कोई भी शासन करने कंट्रोल करने लायक नहीं बचा था इंग्लैंड में। तो फिर ये हुआ कि जो चार्ल्स सेकेंड चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे इनको वहाँ से जो भगा दिया गया था, या फिर आप ये कह दें ये छोड़कर चले गए थे इंग्लैंड को, पब्लिक रिवोल्यूशन की वजह से ये फ्रांस चले गए थे, वहाँ सेटल हो गए थे, वहाँ से इनको फिर से कॉल किया गया और इनको सीट पर जो थ्रोन था इंग्लैंड का उस पर बैठने के लिए इनको कहा गया, और फिर से मोनार्की रीस्टार्ट हुई। इसलिए इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। रेस्टोरेशन मतलब रीस्टोरेशन, फिर से किसी चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, इसलिए इसको रेस्टोरेशन कहते हैं। किसको इस्टेब्लिश किया था? मोनार्की को। ये 1650 में इन्होंने किया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ। 1660 में इन्होंने किया, फिर 1660 से 1600 से 1700 पीरियड को हम लोग न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और द एज ऑफ रीजन के नाम से भी जानते हैं। इसी में के बीच में आपकी जो एक रेवोल्यूशन और हुई थी, द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। द ब्लडलेस रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? आपकी चार्ल्स सेकेंड के बाद जो और भी यहाँ पर बैठने के लिए आए थे सिंहासन पर बैठे हैं, उसके बाद जो लास्ट में आपके बैठे हैं ये मैरी विलियम ऑरेंज और मैरी क्रॉमवेल आए थे। इसके बाद इनका मैं डिस्क्रिप्शन आगे दूंगी, जो कि जेम्स वगैरह ये आए थे, ये बहुत ज़्यादा डिक्टेटर्स रहे थे, जिसकी वजह से इनके जो ये दामाद और बेटी थी इन लोगों ने ही इनको सत्ता से हटाया था बिना किसी आपकी क्या कह सकते हैं वार के, बिना किसी इसी
बिना किसी खास झगड़े के, विवाद के। तो इसीलिए इसको ब्लड रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि सत्ता भी परिवर्तित हो गई थी, लेकिन कोई भी एक खून का कतरा भी नहीं बहा था। और ये हुआ कब था? ये 1688 में हुआ था और 89 तक। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग 1750, इधर क्रॉस हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1700 में और क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ अ रीडिंग पब्लिक। 1800 में इसकी ग्रोथ बढ़ी, क्योंकि जब ये चार्ल्स सेकेंड जो आए थे, इन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया था, जो कि ये लिटरेचर को फ्रांस से लेकर आए थे अपने साथ। इन्होंने बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। इन सब चीज़ों को आगे बताते हैं। देखिए, हम आपको डिटेल में बताते हैं क्रॉमवेल और कॉमनवेल्थ के बारे में। इसमें 1642 और से 1649 तक जो इंग्लैंड इज एम्ब्रॉयल्ड इन सिविल वार, सिविल वार वहाँ चल रहा था। पार्लियामेंट्री पार्टी प्यूरिटन्स अगेंस्ट द किंग्स पार्टी रॉयलिस्ट, जिसको हम मोनार्की कह रहे हैं, ठीक है, ये इनके खिलाफ थे। और इस तरह का वहाँ पे युद्ध चल रहा था। किंग्स चार्ल्स फर्स्ट बीहेडेड, किंग चार्ल्स फर्स्ट इसके बाद उनसे डिफीट हुए। फिर उसके बाद 52 में ये इस्टेब्लिश हुआ है क्या, आपकी पार्लियामेंट के थ्रू क्रॉमवेल की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है। 1653, इसमें पता है मिल्टन ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, इसकी वजह से ये बाद में जेल भी गए हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। 1653 से 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल रूल्स इंग्लैंड एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर। ओके, लॉर्ड प्रोटेक्टर मतलब उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर बनी। स्ट्रिक्ट प्यूरिटन्स लॉज इवेंचुअली मिलिट्री रूल बाय क्रॉमवेल एज डिक्टेटर, मतलब ये लीडर बनते बनते ये डिक्टेटर बन गए थे। इसके बाद थिएटर वर क्लोज्ड आर्ट सप्रेस्ड, इस समय क्या हुआ था, आपके थिएटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी, वो बंद हो गए थे और आर्ट्स भी क्लोज हो गई थी। इसके बाद आता है आपका रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ चार्ल्स सेकेंड। रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ चार्ल्स सेकेंड इसमें क्या हुआ, देखिए 1558 से 1660 तक प्यूरिटन डिक्टेटर ओलिवर क्रॉमवेल डाइस, ये एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद इनके बेटे में इतनी थी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि वो वहाँ पर वो कर सके, लीडरशिप कर सके, सभी का नेतृत्व कर सके, तो ये भी उन्होंने कभी छोड़ दी। इसके बाद पार्लियामेंट इन्वाइट चार्ल्स फर्स्ट सन बैक फ्रॉम एक्साइल, इनको वहाँ से निकाल दिया गया था इंग्लैंड से, और इनको फिर वहाँ पर दोबारा इन्वाइट किया गया वहाँ वापस आने के लिए। तो इनके जो इनको चार्ल्स सेकेंड कहा जाता है, चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे वो वहाँ वापस आए। चार्ल्स सेकेंड क्राउंड मोनार्की रिस्टोर, चार्ल्स सेकेंड ने वहाँ पे मोनार्की को रिस्टोर किया। इंग्लिश ट्रेडिशन आल्सो रिवाइव्ड हॉर्स रेसिंग, बियर बेटिंग, डांसिंग अराउंड द मेपोल, ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने फिर से रिवाइव कर दी, क्योंकि ये इंग्लैंड से सॉरी फ्रांस से आए हुए थे, और इन्होंने जो जो वहाँ पे ऐसो आराम, ये बहुत ऐसो आराम वाले थे, इन्होंने हर चीज़ों को वही सब चीज़ें स्टार्ट करा दी। देखिए रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स सेकेंड रूल्ड 1660 से 85 तक इन्होंने रूल किया है। एंग्लिकन चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो थे उनको रीस्टैब्लिश उन्होंने किया है। अदर सेक्ट इंक्लूडिंग प्यूरिटन सेक्ट्स आउटलॉड एंड परसिक्यूटेड, क्योंकि प्यूरिटन सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनको वहाँ से एग्जाइल दिया था, वहाँ से निकाला था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में तो नेचुरल सी बात है, उस कैंडिडेट को आप दोबारा बुलाएंगे तो वो उसको प्यूरिटन सेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया और साथ में परसिक्यूटेड भी किया। देखिए रेस्टोरेशन चार्ल्स सेकेंड के पीरियड में क्या था क्या नहीं था, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच इन फर्नीचर ड्रेस मैनर्स, इन्होंने पूरी तरह वहाँ के जो ट्रेडिशंस थे उनसे इन्होंने अफेक्टेड होकर ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी, क्या क्या फर्नीचर वहाँ का अप्लाई किया था, मतलब वही डिजाइन हम लोग कहीं जाते हैं ना वहाँ पे जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, वही इन्होंने काम किया था इन सब चीज़ों में। मेट इन कॉफ़ी हाउसेस एंड फॉर्मल गार्डन्स, ये मतलब यहाँ पर अब ये फॉर्मेलिटी बहुत ले आए थे वहाँ की तरह दिखावा। लाइट कलरफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट फैशंस, दिखावा इनको बहुत पसंद था, और मतलब कलरफुल जो दूर से दिखता हो। इंजॉयड थिएटर गोइंग, डाइनिंग,
ड्रिंकिंग कार्ड, ड्रिंकिंग कार्ड, प्लेइंग गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। और थिएटर को तो इन्होंने खैर नया जन्म दिया था क्योंकि बंद हो गया था इनके जाने के बाद, तो इन्होंने फिर से उसके दरवाजे ओपन करा दिए थे। इसके बाद देखते हैं क्या नहीं था। ओवर क्राउडेड टेनिमेंट्स, रेट्स, लाइस, बेड बग्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नो एक्सेस टू डॉक्टर्स, पुलिस और एजुकेशन, यंग चिल्ड्रन फोर्स टू वर्क, फ्लिटी स्ट्रीट्स, डिसीजेज प्रीवेलेंट, डेथ रेट हायर देन बर्थ रेट, ये जो कमियां थी और ये अच्छाइयां थी जो चीज़ थी उनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया है। चलिए अब देखते हैं इस एज को अगस्टन एज और न्यू क्लासिकल पीरियड का भी कहा जाता है। अगस्टन एज क्यों कहा जाता है? पीरियड बिटवीन 1660 एंड 1800 सम टाइम्स कॉल्ड अगस्टन एज। नेम कम्स फ्रॉम द कंपैरिजन विद द रीजन ऑफ द ऑक्टेवियन अगस्त इन एंशिएंट रोम। ये रोम के जो वहाँ के एम्परर थे उनके नाम पर वहाँ पे जितना लिटरेचर के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी उससे रिलेटेड ही ये नाम था और वही नाम यहाँ पे अप्लाई किया गया था। अगस्त रिस्टोर्ड प्लेस एंड ऑर्डर टू रोम आफ्टर एसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर। स्टुअर्ट मोनार्क रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर टू इंग्लैंड आफ्टर सिविल वार्स। पीरियड बिटवीन 1660 एंड 1800 समटाइम्स कॉल्ड नियो क्लासिकल पीरियड। टर्म मीन्स नियो क्लासिकल रेफर्स टू राइटिंग मॉडल ऑन ओल्ड लैटिन वर्क, जो कि पुराने लैटिन वर्क्स को फिर से ट्रांसलेट करके लिखा जा रहा था उसको नियो क्लासिकल वर्क कहा जाता था। क्लासिक्स वर कंसिडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज दे रिप्रेजेंटेड व्हाट वाज परमानेंट एंड यूनिवर्सल इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्लासिक्स वर कंसिडर वैल्यूएबल, जो क्लासिक होता है वो वैल्यूएबल होता है बिकॉज दे रिप्रेजेंटेड व्हाट वाज परमानेंट, क्योंकि जो परमानेंट होता है और जो उसके थॉट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सल होते हैं, वो कभी भी ना ख़त्म होने वाले, मतलब कल भी जो सत्य थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। पीरियड बिटवीन 1660 1800 समटाइम्स कॉल्ड एनलाइटमेंट और एज ऑफ रीजन। इसको किस किस नाम से जानते हैं देखिए और किस किस पीरियड को, मैं उसको आपको बिल्कुल क्लियर बताती चल रही हूँ। लेबल दैट रिवील चेंजेस इन पीपल्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इनलाइनमेंट। देखिए बिफोर इनलाइनमेंट क्या था और ड्यूरिंग इनलाइनमेंट पीपल कैसे थे, दोनों में डिफरेंस मैं बता दे रही हूँ। थॉट अनयूजल इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक्स एंड कॉमेट्स वर पनिशमेंट्स और वार्निंग फ्रॉम गॉड। आस्क्ड व्हाई दीज थिंग्स हैपन ड्यूरिंग इनलाइनमेंट पीपल हर्ड मोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस फॉर नेचुरल फेनोमेना, स्टार्टेड आस्किंग हाउ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ वाई क्वेश्चन। देखिए जो बिफोर इनलाइनमेंट था उस समय किसी को पूछने का राइट नहीं होता था, ये इवेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और इस पर कोई भी कोई कमेंट्स करता तो उसको पनिशमेंट मिलना था, वार्निंग फ्रॉम गॉड, उसको कहा जाता है भगवान से उसको ये पनिशमेंट मिल रहा है, वार्निंग मिल रही है भगवान की तरफ से। आज वाई दीज थिंग हैपन, ऐसा पूछने पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई हर एक को पूछने का अधिकार होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ड्यूरिंग अलाइनमेंट क्या था, ये सब चीज़ें सब साइंटिफिक बढ़ गया था, साइंस आगे की तरफ बढ़ रही थी और इस समय एक्सप्लेनेशन बताया जाता था। एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का बताया कि नेचुरल फेनोमेना ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेचुरल फेनोमेना है, जैसे अभी भी फोरकास्टिंग हो जाती वेदर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड ऐसा होने की संभावना है तो उसका कॉज होता कुछ ना कुछ, लेकिन पहले ये कॉज नहीं बताते। स्टार्टेड आस्किंग हाउ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ वाई, अब वो लोग वाई की जगह हाउ पूछने लगे थे, उनमें ये डिफरेंस आ गया था। देखिए
द इनलाइनमेंट एंड द एज ऑफ रीजन, ऐसा कैसे हुआ? साइंटिस्ट बिगेन टू एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी यूनिवर्स, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, किस पर? ह्यूमन बॉडी पर और यूनिवर्स पर, और उसको एक्सप्लेन करते थे. नेचुरल फिनोमेना लेस मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग, जो नेचुरल फिनोमेना थे वो लेस मिस्टीरियस थे और फ्राइटनिंग, थोड़े डरावने होते थे. राइज ऑफ डेज्म, बिलीव दैट क्रिएटर सेट द वर्ल्ड इन मोशन एंड देन लेट इट रन बाई इट्सेल्फ. देखिए, मैंने आपको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में बताया था. बिगनिंग इन 1685 चार्ल्स सेकेंड डाई, चार्ल्स सेकेंड मर गया. हिज ब्रदर जेम्स सेकेंड आर रोमन कैथोलिक, वो रोमन कैथोलिक था, टेक थ्रोन, उसने वो सिंहासन ले लिया. पावर इज ट्रांसफर्ड जेम्स डॉटर मैरी, वाइफ ऑफ डच विलियम ऑफ ऑरेंज, आर प्रोटेस्टेंट. देखिए, अब वहाँ की पब्लिक को और कैथोलिक को झेलने का मन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जब इनके भाई ने जेम्स सेकेंड ने ले लिया था, वो कट्टर वो था, तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक ने उनकी जड़ उखाड़ने की कोशिश की, और इस चीज़ के लिए उन्होंने हेल्प ली, किसकी, उनके दामाद और बेटी की, जो जेम्स उनकी डॉटर की पुत्री थी मैरी, और उनके जो हस्बैंड थे डच विलियम ऑफ ऑरेंज, जो एक प्रोटेस्टेंट थे, उनसे मदद मांगी और उन्होंने उनकी हेल्प की. उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको चार्ल्स सेकेंड के जो भाई थे जेम्स सेकेंड, उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, उन्होंने खुद ही अपनी सत्ता छोड़ दी, और इस तरह से ये जो उसके बाद इन लोगों ने सिंहासन को समझाया संभाला. देखिए, कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट की अब परिवर्तन हो गया सीट पर, ठीक है. तो इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता भी बदल गई और किसी भी तरह का खून का खतरा नहीं. तो कितने सिविल वार हो जाते हैं, आपस में इंटरनल वो वार होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने होते हैं, तब कहीं जाके सत्ता बदलती है. लेकिन यहाँ पर वो अपने आप ही बदल गई. 1688 विलियम अटैक इंग्लैंड, जेम्स फ्लीज. विलियम ने अटैक किया इंग्लैंड पर और जेम्स भाग गए वहाँ से. 1689 में पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड विलियम एंड मैरी किंग एंड क्वीन, प्रोटेस्टेंट रूल रिस्टोर्ड, और इन लोगों को रूल करने के लिए पार्लियामेंट ने वहाँ पर, जेम्स सेकेंड जब गद्दी पर बैठा 1685 में, तब उसी की बेटी मैरी और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज की सहायता से उसको गद्दी पर उतार दिया गया, और इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ जिसमें एक खून का पीस भी नहीं भा. ये हिस्ट्री है उस वक्त की इंग्लैंड की. तो कहने का मतलब अब ये है, इस वक्त इंग्लैंड के जो मोनार्क हैं मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज, तो इन दोनों के कोई भी बेबी नहीं था. तो इस वजह से 1694 में मैरी की डेथ हो गई और 1702 में विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ हो गई. ऐसे में अब वहाँ पर जेम्स सेकेंड की एक और बेटी थी जिसका नाम था एन, वो 1702 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और 1714 तक रही, और एन के क्वीन बनने से 1702 से इनके क्वीन बनने के साथ ही अगस्टन एज स्टार्ट होती है. अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसुअलिटी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इंग्लैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में और फोकस कर देती हूँ, जो कि इस तरह से है. आपकी एन के बाद में जो जॉर्ज फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे, जॉर्ज फर्स्ट इनके कजिन थे एन के, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो 1727 तक गद्दी पर थे. 1747 में जॉर्ज फर्स्ट के बेटे जॉर्ज सेकेंड बैठे, इंग्लैंड के किंग बने, वो 1760 तक रहे, उसके बाद जॉर्ज थर्ड बने, इस तरह का ये प्रॉब्लम. फिलहाल के लिए इतनी हिस्ट्री काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के हिस्ट्री के साथ में, और किस तरह से एज ऑफ सेंसिबिलिटी और क्या क्या इस एज को नाम मिले, वो नाम किस तरह से इसके करेक्ट बैठते हैं इस पर. ओके, हैव ए नाइस डे.